यूजर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज क्रिप्टो मार्केट के क्या हालात हैं। स्टार्ट करते हैं अपडेट से। एफसी बार्सिलोना पार्टनरशिप करता है बिगेस्ट यूरोपियन क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ में। अगर हम बात करें एफसी बार्सिलोना का, ये बिगेस्ट सॉकर क्लब है इन द वर्ल्ड। इसने अपने अनाउंसमेंट शेयर की है पार्टनरशिप की, न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप विद वाइबिट, जो की एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जो की एक सिक्योर और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग की जाती है डिजिटल एसेट का। इस तरह से बार्सिलोना का पार्टनरशिप करना क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं एक अडॉप्शन बढ़ता है और एक पॉजिटिव अप्रोच आता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर। एफसी बार्सिलोना की तरफ से देखा जाए तो ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने एंगेज किया अपने फैंस को और नई अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराया है कॉमर्शियल पार्टनर्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, क्लब अडैप्ट कर रहा है डिजिटल लैंड स्पेस को और अपनी बाउंड्रीज को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बाइनरी एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है साइबर इंक्यूबेशन फंड, जो कि सपोर्ट करेगा ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स को। सिंगापुर बेस्ड बाइनरी एक्स लॉन्च करता है साइबर इंक्यूबेशन फंड, जो कि ग्रोथ और अडॉप्शन को लेके काम करेगा वेब थ्री गेम्स पे। जैसे कि हम सब जानते हैं, इधर बीच वेब थ्री गेम्स का क्रेज काफी बढ़ा है। जितने भी गेमिंग आ रहे हैं, प्ले टू अर्न गेम्स या अदर गेम्स, वो वेब थ्री पे आ रहे हैं। इस सबको फंडिंग कराया गया बाइनरी एक्स अपने फंड से। उसका मेन मोटो ये है कि वो प्रमोट कर सके उन प्रोजेक्ट्स को जो कि वेब थ्री गेमिंग बेस्ड हैं। बेसिकली इससे गेमिंग सेक्टर में तो चीजें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, साथ ही अडॉप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बाइनेंस एक्सचेंज में डेली बीटीसी विड्रॉल देखा गया काफी लार्ज स्केल पे। सीजेड का कहना है कि जो फंड है वो कहीं ना कहीं उन्हें ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है। बिटकॉइन विड्रॉल्स की बात करें बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो उसमें एक लार्ज अमाउंट देखा गया कल के दिन। बीटीसी विड्रॉल देखा जाए बाइनेंस पे तो करीब 500 मिलियन के बीटीसी को 24 घंटों में ट्रांसफर किया गया। अकॉर्डिंग टू द सीजेड, ये एक तरह का फंड था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। एंड कहीं ना कहीं बाइनेंस को लेके कई चीजें और भी आई हैं, उनमें इस तरीके से यूजर्स का बीटीसी को विड्रॉल करना एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करता है। इस सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या अगर ये पॉजिटिव नोट में जाता है तो उससे बीटीसी या अदर क्रिप्टो करेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। कॉइनबेस ने कंफर्म किया है डिस्ट्रीब्यूशन FLR टोकन्स पे XRP होल्डर्स के लिए। बेसिकली कॉइनबेस ने, जो कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने कमिट किया है कि वो सपोर्ट करेगा अपकमिंग एयर ड्रॉप को फ्लेयर नेटवर्क टोकन्स यानी FLR पे। ये ट्वीट करने इस बात की करके जानकारी दी कि वो इस एयर ड्रॉप को सपोर्ट करेगा, इसे रिलेटेड चीजों पे काम करेगा और इस एयर ड्रॉप को सक्सेसफुल बनाने के पीछे उनकी टीम जो है वो काम करेगी। ये अनाउंसमेंट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताया। फ्लेयर देखा जाए तो अपने एयर ड्रॉप के लिए रेडी है और इस एयर ड्रॉप के थ्रू पता चलेगा कि ये नेटवर्क कितना आगे सक्सेसफुल हो सकता है। इसके जो कॉइन्स है उसको एयर ड्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।